हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बंगाली स्टाइल चने दाल की रेसिपी। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, मैं बताती रहूँगी, बनाते बनाते मैं बताऊँगी क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किया मैंने। ठीक है, देख लीजिए, दाल को मैंने भिगा के रखा था। ठीक है, इसमें ना सरसों तेल का यूज़ करना बहुत अच्छा है। सरसों तेल डालिए, इसका सूखी मिर्च फ़ोरन में, और दालचीनी, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, और ये पाँच फोरन इसमें डालिएगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये सारे फिर आप थोड़ा सा हल्का ब्राउन कर लीजिए। इसके बाद इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे। ये हो गया है थोड़ा सा लाइट ब्राउन, इसको ज़्यादा जलाएंगे नहीं, फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ढक देंगे। ढक देने से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा जल्दी। इसमें जो भी मसाले हैं वो भी डालेंगे, उसके पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और जो बंगाली लोग जो चने की दाल बनाते हैं ना, उसमें वो लोग क्या कहते चीनी भी डालते हैं, तो वो चीनी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। बिल्कुल थोड़ा सा, आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा डालती हूँ ताकि बस फ्लेवर ही आए इसका। तो नमक, थोड़ा सा चीनी, थोड़ी सी चीनी मैंने डाल दिया। और अब देखिए आप लोग, ये टमाटर पूरी तरह से गल चुका है। जो भी मसाले हैं, पाउडर मसाले, वो सारे मैं डाल दूंगी यहाँ पे। ये हो गया है कैसे, ये थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। और मसाला ना मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, जो क्योंकि थोड़ा मतलब मसाला अगर ज़्यादा डाल दीजिए ना तो वो अच्छा बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। और ये मसाला अच्छी तरह से पक गया है। तो अब जो दाल हम लोग उबाल के रखे थे ना, उसको डाल देंगे। दाल को पहले 7-8 घंटे के लिए भिगा के रख दिए थे, इसके बाद उसमें 4 सीटी लगा लिए थे। थोड़ी सी नमक डाल के और थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे तो क्या होगा ना, वो कुकर में से ज़्यादा गिरेगा नहीं। तो वो दाल को हम लोग उबाल लिए थे, वो दाल डाल दिए उसमें। थोड़ा सा पानी और डाले हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ना वो गाढ़ा हो जाएगा इसीलिए। और इसके बाद कसूरी मेथी आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैं डालती हूँ। हो गया, सब कुछ डाल दिया। अब ढक देंगे, बस 5 मिनट तक इसको अच्छे से एक उबाल आने देंगे। देखिए आ गया है अच्छा सा उबाल। बस हो गया हम लोग का दाल तैयार। देखिए फाइनल लुक, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। थैंक यू।